जो जुड़े हुए भाई जिसने बयान दिया आज, सभी भेज दिया आपको व्हाट्सएप पर भी, अधिकारीगण, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, भारत के संविधान के शिल्पी, भारत माता के महान सपूत बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज पावन जयंती का दिन है और इस अवसर पर उस महापुरुष के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए स्वाभाविक रूप से बाबा साहब के प्रत्येक अनुयायी उतावले हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी के नेतृत्व में अंबेडकर महासभा बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बाबा साहब की जन्म जयंती दिन हो या फिर बाबा साहब की पुण्यतिथि, दोनों अवसरों पर अंबेडकर महासभा के द्वारा न केवल बाबा साहब की स्मृतियों को जीवंत रखा जाता है बल्कि बाबा साहब के बताए गए मूल्यों आदर्शों के अनुरूप अनेक कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और कोरोना महामारी के कारण संक्रमण की तीव्रता के को ध्यान में रख करके अंबेडकर महासभा ने आज का ये कार्यक्रम वर्चुअली रखा है। मैं इसके लिए अंबेडकर महासभा को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बाबा साहब को भी स्मृतियों को भी याद किया, बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम भी आयोजित किया, लेकिन साथ साथ सभी प्रकार के सोशल डिस्टेंसिंग के कोविड गाइडलाइन का भी पालन करते हुए संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान के शिल्पी थे। समता, न्याय और बंधुता जिस भारत के संविधान के मूलभूत तत्व हैं, उन मूलभूत तत्वों को भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए सर्वसुलभ कराने के लिए ही पिछले 7.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार और पिछले 4 वर्षों से उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बिना भेदभाव के हर नागरिक को घर मिलना, बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध होना, बिना भेदभाव के विद्युत की उसकी आवश्यकता की पूर्ति होना, बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, बिना भेदभाव के राशन की सुविधा का लाभ मिलना, ये सभी कहीं ना कहीं बाबा साहब के उस सपने को साकार करने का एक अभियान है जो उन्होंने इस देश के अंदर जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय महसूस किया था। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में विगत 4 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से 4 लाख लोगों को आवास उपलब्ध करवाए। मुझे प्रसन्नता है कि 2,61,00,000 से अधिक गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाए गए, 1,57,00,000 लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए,
1,38,00,000 लोगों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 14 करोड़ लोग राशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। ये सभी बाबा साहब के सपनों को साकार करने का एक अभियान है। प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में अटल आवासीय विद्यालय बाबा साहब के उस सपने को साकार करने का एक भाव है, जिसमें गरीब और मजदूरों के बच्चों के लिए भी अत्याधुनिक शिक्षा की आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने का ही अभियान है कि सामूहिक विवाह के कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के संपन्न हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अभी एक लंबी लड़ाई आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ अभी किए जाने की आवश्यकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सदैव शिक्षा पर ध्यान दिया और उन्होंने हमेशा भारत के वंचितों, गरीबों, दलितों सबको एक ही बात के लिए आह्वान किया कि कुछ भी हो लेकिन हम अपनी पीढ़ी को शिक्षा से वंचित न होने दें, उन्हें स्कूल जरूर भेजें, अच्छी शिक्षा जरूर दिलाएं। सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है, हरेक स्तर पर इस प्रयास को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इन सपनों को साकार करने के लिए हम सबके स्तर पर एक प्रयास प्रारंभ होने की आवश्यकता है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन सब कार्यों को भारत सरकार के साथ मिलकर के लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुझे प्रसन्नता है कि अम्बेडकर महासभा इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही है। COVID-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन कर रही है, लेकिन साथ साथ गरीबों के लिए, दलितों के लिए और उन सभी वंचितों के लिए जिनको शासन की सुविधा से वंचित रखा गया था, उन्हें इन सुविधाओं से लाभान्वित करने का एक नया प्रयास भी प्रारंभ कर रही है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती का कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष मुझे इस कार्यक्रम में अंबेडकर महासभा द्वारा आयोजित समारोह में भागीदार होने का अवसर प्राप्त होता था। इस बार और विगत वर्ष लॉकडाउन के कारण और इस वर्ष कोरोना के तीव्र संक्रमण के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं इस अवसर पर अंबेडकर महासभा के द्वारा चलाए जा रहे अभियान की पूरी सराहना करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब भारत के संविधान के शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उन सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे जो प्रत्येक नागरिक को समता, न्याय और बंधुता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दे सकेगा, उनके जीवन में खुशहाली लाने में योगदान दे पाएगा। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं एक बार फिर से अंबेडकर महासभा को हृदय से साधुवाद देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।